नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देशबंधु की उपाधि किसे दी गई? याद रखिएगा, देशबंधु की उपाधि चितरंजन दास को दी गई। नेक्स्ट प्रश्न, 1908 में केसरी में प्रकाशित लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में भेजा गया? मांडले जेल में। किस जेल में? मांडले जेल में। अवध के स्वतंत्र राज्य का स्थापक कौन था? सआदत खां। नेक्स्ट प्रश्न, दीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? याद रखिएगा, मैसूर का। दीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। भारत में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने। विकास था। तीसरी पंचराम योजना की अवधि मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत था? सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया था। पंचवर्षीय योजना में। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, दीन बंधु मित्र द्वारा लिखा गया नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने। किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। इसी कड़ी में आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न आपके सामने, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका स्वागत किस भारतीय राजा ने किया था? जमेरे ने उसका स्वागत किया था। किसने किया था? जमेरिन ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी और मराठा के संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। कौन थे? लोकमान्य तिलक। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी थी? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वी डी सावरकर। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी पर कब चढ़ाया गया? 23 मार्च 1931। कौन सा गवर्नर 14 मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान से लड़ा था? लॉर्ड कार्नवालिस। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। सामने, भारत का आईएस पहला वायस राय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायस राय लॉर्ड कैनिंग था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, सर सैयद अहमद खान। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में प्रार्थना समाज का संस्थापक है? प्रार्थना समाज का संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग वायसराय ने पारित किया था? याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग किस वायसराय ने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दूसरा ट्रेंड ऑफ लैप्स अवधि क्या है? याद रखिएगा, गत सिद्धांत किस गवर्नर ने प्रारंभ किया था? क्या थी? याद रखिएगा, प्रश्नों की श्रृंखला गवर्नर ने आरंभ किया था? बेहद होने वाले प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने 1970 से 1980 उसको प्रारंभ किया था। इसी कड़ी में प्रश्न, किससे भारतीय वर्षीय योजना की मार्ग क्या थी रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है?
बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल पंचवर्षीय भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? छठी पंचवर्षीय योजना भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लाल कंजन ने पारित किया था। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम प्रश्नों किसी कड़ी में बंगाल में मूल राजस्व का इस समिति की बरारी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? याद रखिएगा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। जवाब के एग्जाम बहुत ही खास होने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।